ठीक है, तो यहां तक आते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब यहां से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अब हम 1920s का ही पूरा डेकेड देखेंगे। इस डेकेड में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहले तो कॉल ऑफ किया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ क्यों किया गया? क्योंकि इस सेंस में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, तो जिसके चलते काफी वायलेंस हुआ और एक पूरा ब्रिटिश जो पुलिस ऑफ स्टेशन था वो जला दिया गया। 22 पुलिस वाले जिंदा मर गए, मतलब जिंदा जल के मर गए। तो ये सब खबर जब गांधी को पता चलती है तो गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ करते हैं। तो टोटल तौर पे देखा जाए तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करीब करीब 1.5 साल चला, और तब तक गांधी ने जब मूवमेंट कॉल ऑफ किया तब तक मूवमेंट थोड़ा कमजोर भी पड़ने लगा था। ठीक है, तो द हैपनिंग्स ऑफ 1920s, तो इन 10 सालों में हमें यह था कि कांग्रेस को और मजबूत बनाना है, गांव गांव तक जाना है अपनी बात लेके, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमें अपलिफ्टमेंट करना है, सोशल अपलिफ्टमेंट भी करना है, हम एक बेहतर देश की तरफ बढ़ेंगे। तो हमें इमेजिनेशन ऑफ न्यू नेशन। इस डेकेड में हिंदुस्तान ने ग्रेट डिप्रेशन भी झेला। ग्रेट डिप्रेशन, इस डेकेड में हिंदुस्तान ने ग्रेट डिप्रेशन भी झेला। ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएस में, जिसका असर यूरोप पे भी पड़ा, हिंदुस्तान पे भी। और इसी बीच में अगर देखा जाए ब्रिटिशर्स से हिंदुस्तान में क्या खेल चल रहा था, ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान के साथ कैरेट एंड स्टिक गेम खेल रहे थे। कैरेट एंड स्टिक यानी कि एक तरफ से छड़ी मारो, दूसरी तरफ से गाजर खिलाओ। तो ये तो लिटरल मीनिंग है, और वैसे सिंबॉलिक मीनिंग इसका ये है कि एक तरफ रिप्रेशन करो मूवमेंट का और लोगों की नाराजगी ज्यादा बढ़ ना जाए, तो एक तरफ इनको थोड़ी रियायत दो कि थोड़ा सा इनको खुश करो और फिर से एक रिप्रेशन करो। तो ये जो गुड कॉप बैड कॉप वाला जो एक चीज होता है, मोर ऑर लेस इस चीज की तरफ इशारा है। और साथ ही साथ में ब्रिटिशर्स यहां डिवाइड एंड रूल भी करते रहे हिंदुस्तान में। तो ये था पूरा 1920s का टाइम। 1920s में क्या क्या हुआ, हिस्टोरिकल 1920s, यहां जनरल इलेक्शंस हुए। देश के इतिहास में पहली बार ऐसे इलेक्शंस के सेंस में बोले गए, 1920 में चुनाव हुए, 23 में हुए, फिर 1930 में हुए, और चुनाव आगे के सेंस में 34 एंड 45 में भी हुए। साइमन कमीशन आता है इस डेकेड के लास्ट में, यहां पे और रिफॉर्म्स की बात करने के लिए। और अगर रिफॉर्म इस डेकेड के एंड में 1930 में फिर एक बड़ा ऑल इंडिया लेवल का पब्लिक मूवमेंट शुरू हुआ, जहां पे पहली बार ऐसा था कि अब गांव देहातों के लोग भी और ज्यादा शामिल हो रहे हैं, और भी इलाकों के लोग शामिल हो रहे हैं, लेड बाय जर्नलिस्ट, लॉयर्स, एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जिसको हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। और इसने कहीं ज्यादा इंपैक्ट छोड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने। तो इस 1920s में हम ये चीज देखते हैं, क्रिएशन ऑफ अ नेशन, एक देश बना, जो देश अभी पैदा नहीं हुआ है लेकिन देश बन गया है, और वो सही टाइम और सही कंडीशंस का बस इंतजार हो रहा है कि कब ऐसा टाइम हो कि ब्रिटिशर्स कमजोर हों और हम तैयार हों, और जब हमें राज करना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा तो वो चले जाएंगे। तो कभी ना कभी आजादी मिलेगी, चाहे वो 40 साल बाद मिले, चाहे 60 साल बाद मिले, लेकिन एक देश बन चुका है कि अब ये पंजाब, बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, ये सब नहीं, अब एक ऑल इंडिया की जो परिकल्पना करी गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो परिकल्पना करी गई थी, वाकई में एक ऑल इंडिया लेवल की एक यूनिटी बन के तैयार हो रही है। ठीक है, तो ये पूरा हम देखते हैं। और 1920s के इन पूरे 10 सालों में यहाँ पे हम कई सारी चीजें देखते हैं, पॉलिटिक्स किस तरीके से चली। तो एक तरफ ब्रिटिशर्स थे, एक तरफ कांग्रेस थी, और ब्रिटिशर्स जो कि थे इंडो ब्रिटिश स्टेट, कांग्रेस रैंडम इंडियन पीपल, और साथ ही साथ में तनातनी चल रही थी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी। तो कुछ लोग मतलब ये थे जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो कांग्रेस से लड़ रहे थे, क्योंकि अब चुनाव होने तो कौन जीतेगा, तो ये इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में कंपटीशन हो रहा है। और सबसे बड़ी पार्टी, सबसे इंपैक्ट वाली पार्टी कांग्रेस थी, और बाकी सारी पार्टीज कांग्रेस से लड़ रही थी, अंग्रेजों के मुकाबले कांग्रेस से ज्यादा लड़ रही थी, ऐसा हमने देखा है इस पूरे टाइम। तो खैर, यहां से हम देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ किया गया, चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, और गांधी इस चीज के लिए पूरी तरीके से ये क्लियर थे कि हम अभी आजादी के लिए तैयार नहीं है इस इंसिडेंट के बाद, और वैसे जनरली भी कि वायलेंस नहीं करना है। और एक और चीज, गांधी को कई बार कई लोग इल्जाम देते हैं कि इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खामखा में वापस ले लिया, तो अगर हम सूरत हाल देखें तो सारे लीडर जेल में थे,
पब्लिक मूवमेंट को 1.5 साल हो चुका था, मूवमेंट फेड हो रहा था, और पब्लिक मूवमेंट्स बहुत लंबा नहीं चल पाते हैं, और अभी भी हम एक स्टेबल नेशन के तौर पे रेडी नहीं थे। अगर अंग्रेज चले भी जाते उस टाइम पे तो हम इतने स्टेबल देश नहीं बन पाते। बात ये वो चीज है ना, एक जैसे बात कही जाती, भाई थोड़ा इंतजार और कर लेते, ढंग से हो जाता काम। जो ये वाला लॉजिक है वही वाला लॉजिक गांधी कहते हैं कि हमें जल्दबाजी के चक्कर में चीज खराब नहीं करनी है, स्टेबल देश बनना है, भले ही थोड़ा सा और टाइम लगे, और अब भी हम रेडी नहीं है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ किया गया। तो अब सवाल उठता है कि नाउ व्हाट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद क्या? तो गांधी कहते हैं कि हमें गांव देहातों के में जाके कंस्ट्रक्टिव वर्क करना पड़ेगा। एक तरफ हमें एजुकेशन देनी है लोगों को, उनकी नॉलेज बढ़ानी है, और हमें सोशल वर्क करना है, औरतों के सेंस में भी, कि ये और लोग हमारा मूवमेंट ज्वाइन करें। हमें लोगों को अपलिफ्ट करना है, और सिर्फ फिजिकली अपलिफ्टमेंट नहीं करना है, हमें स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी करना है। तो हमें सत्याग्रही बनाने, तो सत्याग्रह वॉज अ वे ऑफ, सत्याग्रह सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, सत्याग्रह इज अ वे ऑफ लाइफ, जो मैंने गांधी के सेंस में कहा कि आप वो स्पिरिचुअल जर्नी भी है हर इंसान की, क्योंकि गांधी एक फिलोसोफर भी थे, फ्रीडम फाइटर तो बाद में थे, पहले फिलोसोफर थे, कि हम कैसी दुनिया बनाना चाह रहे हैं, क्या हम ऐसी मटेरियलिस्टिक सी दुनिया बनाना चाह रहे हैं जैसे ब्रिटिशर्स हैं। तो खैर, तो एक तरफ गांधी यहां तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये हुआ था कि हम ये काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर देंगे। तो अब काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट कर देंगे तो बात आई कि काउंसिल तो बननी है, चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस का होना वहां बहुत जरूरी है कि कोई भी कानून गलत पास हो रहा हो तो वहां स्पीच देना, और ये स्पीचेस पूरे देश भर में जाती हैं, लोगों को पता चलता है, हल्ला होता है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ अगर कोई और लोग पहुंच गए वहां लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, हम अगर चुनाव नहीं लड़े, दूसरी पार्टी के लोग पहुंच गए, गलत लोग पहुंच गए, तो क्या पता वो गलत डायरेक्शन में ले जाए चीजों को। तो यहाँ पे एक धड़ ऐसा है जिन्होंने ये कहा कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। तो गांधी को इस बारे में मनाया गया, सी राजगोपालाचारी और मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने मनाया गांधी को कि आप चुनाव लड़ने का आदेश दें। तो खैर, इसके लिए एक नई पार्टी बनाई गई कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ सकती, तो एक दूसरी पार्टी बनाई गई, स्वराज पार्टी जिसका नाम था, और ये चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की तरफ से। तो ये हुआ, चुनाव हुए, इन्होंने अच्छे खासे इनको सीट्स मिली, और ये पहुंचते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, और इन्होंने वो जगह भरी, वो काम किया जो कांग्रेस को करना था, कि रिफॉर्म्स के लिए आर्ग्यू करना और स्पीचेस देना, और जो भी ब्रिटिश कानून आ रहे हैं उनकी गलतियां दिखाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्वराज पार्टी। और 1920s में ही और पॉलिटिकल पार्टीज बन के उभर रही थी, जैसे एक आरएसएस बन के उभरी, ये हिंदू संगठन बन के उभरा, और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टीज ये भी बन के उभर रही थी। तो एक तरफ हम राइट विंग पार्टीज भी बनते उभरते देख सकते हैं, एक तरफ लेफ्ट विंग पार्टीज भी बनते उभरते देख सकते हैं। तो 1920s यहां पब्लिक पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी थी, और 1920s में ही इधर हम जब जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होता है और एक नेशनलिज्म की इतनी जो आग लगा दी गई, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो अब लोग अपने अपने लेवल पे जो बन पड़ रहा है कर रहे हैं, तो यहीं पे ऐसे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू होती हैं। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, ऐसे सब लोगों का जिक्र आता है, इन सब लोग के बारे में सब पता होगा आप लोगों को। तो 1920s के में ये सब चीजें भी हुई। तो 1920s हम देखते हैं मेजर पार्टीज, कांग्रेस, मुस्लिम लीग एक तरफ, हिंदू महासभा और आरएसएस, और कम्युनिस्ट लोग, तो पूरा स्पेक्ट्रम हमें नजर आता है। अब 1920s के खत्म होते होते तक 1928 में आता है साइमन कमीशन। साइमन, जॉन साइमन के अंडर में कमीशन बनता है जो कि हिंदुस्तान आएगा, विजिट करेगा, यहां के सूरत हाल देखेगा, अलग अलग पार्टियों से मिलेगा, और ये रिकमेंडेशंस ले जाएगा ब्रिटेन में, और वहां पे चर्चा होगी कि हिंदुस्तान में आगे किस डायरेक्शन में काम किया जाए, ये सब चीजों के बारे में बात करी जाएगी। तो ये साइमन कमीशन आता है, और साइमन कमीशन में कोई भी हिंदुस्तानी मेंबर नहीं था, तो ये काफी नाराजगी थी हिंदुस्तानी के लोगों को कि आप हमें लायक नहीं समझते कि अपने कमिटी में हमें रखें, तो आप क्या ही हमारे बेटरमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो साइमन कमीशन, तो सबने बॉयकॉट किया, ज्यादातर पार्टीज ने बॉयकॉट किया, और इन साइमन कमीशन का स्वागत किया था अंबेडकर साहब ने, जो कि अपना मूवमेंट लेके खड़े थे। इन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया था दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए, और ये अपना केस लेके बार बार गए थे ब्रिटिशर्स के पास
कि दलित लोग एक वर्ग के तौर पे, सामाजिक वर्ग के तौर पे इतने ज्यादा डाउनट्रोडन है, इनके साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ है हजारों सालों से, तो हमें अपलिफ्टमेंट किया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक रिजर्व्ड सीट्स की मांग करी इन्होंने अंग्रेजों से, और अंग्रेज लोग इनकी इस बात से सहमत भी थे कि हाँ दलितों के साथ बहुत बुरा हुआ है इतने हजारों सालों में, तो इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। और दूसरी तरफ यहाँ जॉर्ज जॉन साइमन, इनसे जब ये पूछा गया कि कोई इंडियन मेंबर आपके इसमें टीम में क्यों नहीं है, तो ये इनका ये कहना था कि इंडियन मेंबर्स में यूनिटी नहीं है। तो यहाँ पे बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, सब पार्टीज आई और सब ने एक कॉमन एजेंडा बनाया, और ये जो था ये लीड हो रहा था ये पूरा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इनके अंडर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के फादर, और इनकी गांधी से बहुत बनती थी। ये भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अपना सेट पूरा नौकरी सिस्टम सब छोड़कर आए थे, आजादी के आंदोलन में कूदे थे। तो यहां पे नेहरू रिपोर्ट कलेक्टिवली सब लोगों ने ये रिपोर्ट पेश करी ब्रिटिशर्स के आगे। तो इन्होंने मांग करी डोमिनियन स्टेटस की, कि हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए और फ्रीडम राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हों सब नागरिकों के पास, बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट पे बाइकैमरल मतलब लोअर हाउस अपर हाउस, और हिंदुस्तानी लोगों को और इन्वॉल्वमेंट हो, डिविजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, के हिंदुस्तानी जो वर्ग है उसको और पावर मिले पॉलिटिकली, और नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर एनीवन। तो ये और ये तो मेजर पॉइंट्स था, और भी कई सारे पॉइंट्स थे, तो ये नेहरू रिपोर्ट इसको कहा गया। और दूसरी तरफ जिन्ना मुस्लिम लीग, इन्होंने भी अपने कई सारे पॉइंट्स दिए। और यहीं पे 1929 यहां पे राइज हो रहा था लेफ्ट विंग का कांग्रेस में, दो बड़े यंग नेता उभर के आ रहे थे, मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों की लाइफ मोर और लेस एक ही जैसी लाइफ थी, अप एंड डाउन दोनों का मतलब इनको पैरेलली रही है इन दोनों की लाइफ, और दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे पूरे टाइम, और एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम रहे, बेस्ट फ्रेंड्स के जैसे रहे, और एज में दोनों एक बराबर थे, और कांग्रेस में बाकी एक तरफ सब बूढ़े बूढ़े लोग थे, यही लोग यंग थे, और दोनों के दोनों लेफ्ट विंग के थे। तो पॉलिटिकली हिंदुस्तान कैसा बने, इन दोनों के विचार बिल्कुल एक जैसे थे। तो इनका राइज हो रहा था और ये इस चीज के बहुत खिलाफ थे, ये दोनों के दोनों इस चीज के बहुत खिलाफ थे कि ये डोमिनियन स्टेटस क्यों मांग रहे हैं, हम इतनी जो लड़ाई कर रहे हैं डोमिनियन स्टेटस के लिए थोड़ी लड़ाई कर रहे हैं, हमें पूरी आजादी चाहिए। और ये जो बूढ़े लोग जो पावर में थे उस टाइम, गांधी मोतीलाल नेहरू और मतलब जिनकी लीडरशिप थी, इनका ये लॉजिक था कि एक बार में पूरी आजादी मांग लेने से पूरी आजादी नहीं मिल जाने वाली, तो कम से कम ऐसी चीज मांगे कि जो मिल पाए एक बार को, जो पॉसिबल हो। पूरी आजादी मांगने से फायदा क्या, मिलने तो वाली नहीं है, डोमिनियन स्टेटस मिल जाए तो कम से कम कुछ तो बेटरमेंट हो, तो हम धीमे धीमे करके, मतलब वही वाला जो मॉडरेट्स वाला रवैया था कि हम एक बार में पूरी चीज मांग लो और ना मिले, इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा मांगो ले लो, फिर थोड़ा सा ताकत मांगो फिर ले लो, तो इस तरीके से आप अपनी ताकत भी बढ़ाओ और थोड़ा थोड़ा मांगो तो शायद आपको मिले भी। और ये आखिरी बार कांग्रेस ने, गांधी से नेहरू बार बार बोलते थे कि हम ये क्यों मांग रहे हैं, बड़ा खराब लग रहा है, तो गांधी ने ये इस बात को बोला था कि हम आखिरी बार डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे हैं, इन्होंने दे दिया तो अच्छी बात है, अगर डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया तो अब से हम डोमिनियन स्टेटस नहीं मांगेंगे। और ये अल्टीमेटम भी दिया ब्रिटिशर्स को कि आखिरी बार डोमिनियन स्टेटस हम मांग रहे हैं, अगर समझौता कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके बाद हम पूर्ण स्वराज मांगेंगे सर। ये हुआ भी 1929, यहां पे जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप आई कांग्रेस में, और इन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी कि ये हमारी मांग है पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी 1930 को इन्होंने आजादी की घोषणा कर दी जवाहरलाल नेहरू ने, कि ये हम आजाद हो गए हैं, रियलिटी में नहीं हुए लेकिन हम मेंटली आजाद खुद को मान चुके हैं। तो और यहीं पे नए एक झंडे की गढ़ना शुरू हुई, तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्लैग, तो यहां पे एक नया झंडा जैसे बनाया गया, ये झंडा हम जो देखते हैं 1931। संतोष पूछते हैं कि हम कह सकते हैं कि इंडियन फ्रीडम गांधी जी के कारण मिली, तो इंडियन फ्रीडम मिलने में गांधी का बहुत बड़ा रोल है, नो डाउट, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और एक और चीज, जब हम बात करते हैं इंडियन फ्रीडम की, तो हम मतलब गांधी, वैसे अगर एक सेंस बताऊं तो फ्रीडम तो एक चीज तो ये हो गया कि अंग्रेज चले गए, लेकिन एक चीज हम बहुत बड़ी बात जो भूल जाते हैं वो ये है कि जो छोटे छोटे देश हो जाते हैं
वो कमजोर रह जाते हैं और वो आपस में लड़ते रह जाते हैं। हम पहले भी तो छोटे छोटे इलाकों में बटे थे, तभी तो अंग्रेज पूरे में राज कर गए कि बंगाल अलग है, पंजाब अलग है, महाराष्ट्र अलग है, ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है। बंगाल पर अटैक हो रहा है तो पूरा हिंदुस्तान क्यों नहीं आया बंगाल के साथ लड़ने, क्यों नहीं आया? अगर आ जाता तो अंग्रेज वहीं से हार के चले जाते। नहीं था नेशनलिज्म, नहीं था यूनिटी, नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज है कि हम इस चीज को बहुत भूल जाते हैं कि हम हिंदुस्तान इतना स्टेबल है, इतना पावरफुल है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम बहुत बड़े इलाके में हैं, हम सब यूनाइटेड हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल है, जो रोल इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी का बहुत बड़ा रोल है। और एक चीज ये बात सच है कि अगर पब्लिक अपनी आजादी की लड़ाई उठाता, अब जैसे हम केस लेते यूरोप का, यूरोप में तो कोई राज नहीं कर रहा था, यूरोप में तो वही के राजाओं का राज था, लेकिन यूरोप में क्रांतियां क्यों हुई? क्योंकि वहां का गरीब वर्ग टकरा गया राजाओं से कि हमें राजशाही नहीं चाहिए, यहाँ देश बनाओ, अदालत अलग होगी, यहाँ चुनाव होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, संविधान होगा। यूरोप में तो किसी और बाहर का राज नहीं था, फिर भी क्रांतियां हुई। वही क्रांतियां हिंदुस्तान में भी होती, और अल्टीमेटली क्या होता कि जैसे मान लीजिए अवध का साम्राज्य है, वो अवध का साम्राज्य कन्वर्ट हो जाता अवध के देश में, बंगाल का साम्राज्य जो था वो कन्वर्ट हो जाता बंगाल के देश में, वही होता उस टाइम पे। और होता क्या, फिर वही चीज हो जाती जो उस टाइम था, आपस में लड़ते रहते, बंगाल अवध से लड़ रहा है, अवध इससे लड़ रहा है, ये इससे लड़ रहा है, ये इससे लड़ रहा है, और छोटे छोटे देश। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ऑटोमान को देखते हैं तो एक जमाना था जब ये पूरा का पूरा ऑटोमान एक हुआ करता था, एक बड़ा साम्राज्य, तो पावरफुल था। आज छोटे छोटे अलग अलग देशों में टूट गया है, तो सब आपस में लड़ रहे हैं, सब कमजोर हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक रोल है गांधी का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। तो यहाँ पे एक नए झंडे की कल्पना होती है, और ये झंडा भी जैसे एक तरीके से यूनिफाइंग बॉन्ड बन रहा है, वंदे मातरम, ये झंडा, ये यूनिफाइंग बॉन्ड है। और वो प्रोटेस्ट में एक जान दे दे रहा है कि ये झंडा गिरना नहीं चाहिए, और अंग्रेज लोग जो झंडा पकड़े हुए उसी को ज्यादा लाठी मार रहे हैं, और वो गिरने से पहले झंडा किसी और को पकड़ा दे रहा है कि झंडा हमारी शान है, हमारी इज्जत है। तो एक यूनिफाइंग बॉन्ड बनता जा रहा है। तो ये और एक और चीज, ये सब, ये जितना भी है ये सब इन्हीं लोगों की कल्पना। जैसे ये झंडा तो गांधी की कल्पना है, ये झंडा मोर ऑर लेस इसी से इंस्पायर्ड था। और फिर इसके बाद जब ये झंडे के बाद जब देश आजाद होता है, तो नेहरू इस चीज को बोलते हैं कि ये झंडा एक्चुअली एसिमेट्रिकल है, ये वाला झंडा, क्योंकि झंडा जब फहराया जाता है बड़े बड़े इवेंट्स में, तो इधर से झंडा देखने में और इधर से देखने में थोड़ा सिमेट्रिकल लगे। तो इन्होंने गांधी के चरखे को, ये मोर ऑर लेस चरखा भी है और अशोक का जो चक्र है उसका भी सिंबल है, तो थोड़ा सिमेट्रिकल कर दिया गया इससे, और ये नेहरू का आइडिया था। तो इस तरीके से झंडे की कल्पना होती है। और ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्लैग अभी रिविजन में है, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते। तो स्वदेशी फ्लैग, स्वराज फ्लैग, इन दोनों के बारे में अभी हाल के कुछ सालों में सवाल आ चुके हैं बोर्ड्स में। इसके बाद अब आते हैं 1930s, 1920s का एरा खत्म होता है, 1930s का एरा शुरू होता है। 1930s का एरा टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, तो गांधी आउटलाइन करते हैं यहां पे 10 साल हो चुका है, और 10 साल में कांग्रेस कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है, गांव गांव पहुंच चुकी है, और अब सारे लोग यहां तक, तो ग्रेट डिप्रेशन जब आया तो यहां हिंदुस्तान में और भुखमरी और बढ़ गई, तो सारे कांग्रेस के नेता गांधी को कहते हैं कि अब टाइम आ गया है हम एक दूसरा मूवमेंट लॉन्च करने का, दूसरा एक बड़ा मूवमेंट। तो गांधी को जिम्मेदारी दी गई कि आप फैसला करो कि कैसा मूवमेंट शुरू करना है, कब करना है, कहां से करना है, कैसे करना है, वो आप डिसाइड करो। तो गांधी इस चीज का सोचते हैं कि मूवमेंट क्या शुरू किया जाए, और गांधी फाइनली यहां से शुरू करते हैं। 2 मार्च 1930 में गांधी चिट्ठी लिखते हैं हिंदुस्तान के वाइसरॉय को, और अपनी 11 डिमांड्स रखते हैं। इन 11 डिमांड्स को हम टोटल अगर कंडेंस कर दें तो पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, सॉल्ट लॉ का एबोलिशन की बात करते हैं, जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में डाले गए थे इन सब को छोड़ा जाए, सिविल लिबर्टीज, ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सब बहाल किया जाए, और ये प्रेस एक्ट जो था, इन प्रेस एक्ट्स को विड्रॉ किया जाए। ऐसी कई सारी मांग रखते हैं गांधी लॉर्ड इरविन के सामने,
चिट्ठी लिख के और अल्टीमेटम देते हैं कि हमारी ये डिमांड अगर नहीं मानी गई तो हम यहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे। और गांधी की ताकत आप सोच लीजिए कि किस सेंस में, वैसे तो सिंपल सा आदमी है, दो हवलदार आके उठा के जेल डाल दे तो कुछ नहीं कर पाएगा, और होता भी था। सिंपल सा आदमी, कोई ना कोई राजा थे, ना राजा के बेटे थे, ना कोई कई लॉर्ड गवर्नर थे कि इनके पास सेना है, पुलिस है, आर्मी है। एक सिंपल सा आदमी, बूढ़ा सा आदमी अपने आश्रम में रहता है। लेकिन हिम्मत देखिए आज के टाइम में, क्या कोई कल्पना करिए कि आज के टाइम में कोई देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे कि ये कर दो नहीं तो मैं अब चलने जा रहा हूं। ये ताकत थी और ये डर, मतलब ये बहादुरी थी कि जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया, कुछ नहीं किया, और क्या कर लोगे मेरा, क्या जेल में डालना हो डाल दोगे, क्या होगा, मर जाएंगे कोई बात नहीं। तो गांधी यहां से शुरू करते हैं अपना डांडी मार्च। गांधी ने सबसे पहले नमक को पकड़ा कि नमक ऐसी चीज है जिस पर टैक्स लगता है और ये चीज गरीब अमीर हर कोई यूज करता है, तो ये बहुत इमोरल सी बात है कि गरीब लोग, जो एक्सट्रीम गरीब लोग भी नमक खरीदते हैं, इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो गांधी ये कहते हैं कि मैं साबरमती से डांडी तक जाऊंगा पैदल, करीब करीब 400 किलोमीटर है, और ये पूरा गुजरात क्रॉस करते हुए जाना है समंदर के कोने तक। और 12 मार्च से गांधी चलते हैं, 6 अप्रैल तक चलते रहते हैं, 25 दिन लगता है इस पूरी यात्रा में। और गांधी अपने कुछ लोगों के साथ चले थे, कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ, और जब तक ये डांडी पहुंचते हैं तो हजारों हजारों की भीड़ हो चुकी होती है। ये सॉल्ट मार्च, और गांधी पहुंचते हैं वहां, नमक बनाते हैं। नमक बनाना अलाउड नहीं था, कि नमक बनाना और बेचना ये काम सिर्फ सरकार करेगी, क्योंकि अगर आम पब्लिक नमक बनाने लग जाएगी, पब्लिक बनाने लग जाए, पब्लिक को बेचने लग जाए, तो वो बीच का जो टैक्स का पैसा वो सरकार तक पहुंचेगा ही नहीं, तो टैक्स सरकार का मारा जाएगा ना। तो इस वजह से सरकार की ये चीज होती है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सरकार मोनोपोली बना लेती है कि ये सिर्फ हम ही बेच सकते हैं, जैसे कि शराब की मोनोपोली, कई देश की सरकारें शराब की मोनोपोली बना लेती हैं कि शराब सिर्फ हम बनाएंगे और हम ही बेचेंगे, आप अपने से शराब बना के बेचने लग जाओ तो आपको उठा के जेल डाल देंगे। तो इस मोनोपोली को चैलेंज किया गांधी ने, ठीक है। तो 1931 ये एक नया झंडा यहां पे लॉन्च होता है, और यही नया झंडा, ये जब सुभाष बोस अपनी इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं तो भले ही कांग्रेस से अलग होकर गए थे, लेकिन इतना रिगार्ड इनके दिल में तब भी था कांग्रेस के लिए, कोई दुर्भावना नहीं थी सुभाष बोस के अंदर, और इन्होंने कांग्रेस का ही झंडा इंडियन नेशनल आर्मी का झंडा बनाया। अलग वॉयलेंस के मुद्दे पे हुए थे, इनका ये कहना था सुभाष बोस का कि हम इतनी मजबूत पार्टी बन गए हैं कि इस टाइम पे अगर आप गांधी एक बार बोल दें कि देश के लोग जो देश की सेवा करना चाहते हैं वो हमारी आर्मी में आ जाएं, तो हमारे देश की कांग्रेस की एक आर्मी बन जाएगी जो कि ब्रिटिश आर्मी से लड़ भी लेगी, और फिर वो आगे देखा जाएगा कि जीतते हैं हारते हैं, लेकिन लड़ तो लें पहले। और कांग्रेस का सिंपल ये था कि हमें आर्मी नहीं बनानी है, हमें बिना आर्मी बनाए लड़ना है। तो इनका ये कहना था, वर्ल्ड वॉर टू आ गया इतने में, और वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिशर्स थोड़े कमजोर हो रहे थे क्योंकि उन्हें जर्मनी से लड़ाई चल रही थी, तो ये मौका ये छोड़ने तैयार नहीं थे सुभाष बोस। तो यहां पे अलग हुए कि मैं तो, आप अगर आर्मी नहीं बना रहे हो तो मैं अपनी आर्मी बना रहा हूं, और इन्होंने ये बोल के अलग हुए थे। तो खैर यहां पे अब बिजनेस क्लास ने काफी साथ दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, और भी अलग अलग, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कहीं ज्यादा सक्सेसफुल था। गांव देहातों तक लोग पहुंच पाए, लोअर क्लास के लोग आए, औरतों का बहुत ज्यादा मतलब पार्टिसिपेशन देखने मिला। यहाँ पे डिफरेंस है नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस के बीच में,